युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर अल्मोड़ा के साथ ही देश प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। लक्ष्य ने विश्व चैंपियन और सिंगापुर के खिलाड़ी लोह किन युव को फाइनल मुकाबले में 24-22 21-17 से सीधे सेटों में हराकर यूनिक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य सेन का सुपर 500 स्तर के प्रतियोगिता का पहला खिताब है। लक्ष्य सेन ने अपने पिता व कोच डीके सेन की अगुवाई में लगातार दूसरा पदक जीता है। इससे पहले लक्ष्य ने पिछले महीने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। लक्ष्य की ऐतिहासिक जीत पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में जबरदस्त खुशी की लहर है। I feel good after winning today's match and it was a good win for me, first Super 500 title. I'm happy and it will give me a lot of confidence going ahead in the season.